मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर। चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर। संपर्क 97-65-066-495। धुळे शहरातील पारोळा रोड भागात असलेल्या पंजाबी सॉ मिल येथे पहाटेच्या सुमारास अज्ञातांनी रिव्हॉल्वर डोक्याला लावून आणि शस्त्राचा धाक दाखवून दरोडा टाकला असून दरोडेखोरांनी पंजाबी सॉ मिलचे मालक विनोद भासीन यांच्या डोक्याला रिव्हॉल्वर लावून आणि धारधार शस्त्राचा धाक दाखवत त्यांच्याकडील तिजोरीच्या चाव्या घेऊन तिजोरीतील 10 लाख रुपयांची रक्कम आणि सोने लुटून दरोडेखोर पसार झाले। दरम्यान या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली असून आज पहाटेच्या सुमारास धुळे शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाठीमागे असलेल्या पंजाबी सॉ मिल येथे अज्ञात 5 ते 6 दरोडेखोरांनी घरात प्रवेश करीत विनोद भासीन यांना मारहाण करीत गंभीररित्या जखमी देखील केलंय। त्यांना रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवत त्यांच्या घरात धाडसी दरोडा टाकलाय। या प्रकरणी आझाद नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। क्या हुआ था और कितना बजे ये दरोड़ा हुआ? ये 2:30 बजे के बाद हुआ है। तो मेरे को थोड़ी सी कुछ आवाज़ आई तो मैं सीसीटीवी कैमरा ही चेक कर रहा था मेरे मोबाइल पे, तो उसने मैं तो 5 लोग सीधे मेरे रूम में आए। एक ने रिवॉल्वर मेरे कान यहाँ लगा दी, एक ने चॉपर पेट पे लगा दिया और बोलने लगे चाबियाँ दो। बोले पीला माल कहाँ रखा है तुमने? आराम से बात करो। उतने में तो मेरे को इधर इधर फटके मारे और लेटा दिया। अरे जब मैं तुमको दे रहा चाबी तो मार क्यों रहे? मारो मत। ठीक है बोले। तो फिर मैं जाके उनको चाबी दिया, दो एक साइड पे और एक कान पट्टी पे लगा के जो बैठा था। तो बाकी फिर उन्होंने अपना अपना काम शुरू कर लिया लेने का। रोक कैश कितने लिखे गए? वो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास। ओके। और आपने जो लोग देखे हो आपको आप पहचान सकते हैं उनको? अब वो कवर्ड था, पूरा ऐसी कवर्ड था। बाकी उन्हें मंकी कैप पहने हुए थे? मंकी कैप भी पहने हुए थे और बाकी मुंह पे कवर्ड था। ओके। तो अभी पुलिस आ गई या फिर मुन्ना दाखिल हुआ? हाँ, मुन्ना दाखिल हुआ। जब भी अभी बैठे नहीं, जाके कंप्लेंट दिखाई, बराबर पुलिस वाले आए, उन्होंने अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया। फॉरेंसिक वाले भी आए, डॉग स्क्वाड वाले भी आए और बाकी भी आए। वो जो आए थे वो कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे थे? वो आपस में जो बात कर रहे थे वो लोकल ईरानी में बात कर रहे थे। और लेकिन उसमें पास में एक मुस्लिम था, मुस्लिम नेम उन्होंने आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन में मेरे को ऐसे अंडरस्टैंड हुआ कि एक उसमें मुस्लिम है। आज पहाटे 2:30 ते 3 वाजता दरमियान धुळे शहरातील कॉटन मार्केटच्या मागच्या साइडला एक पंजाबी सॉ मिल म्हणून तिचे मालक त्यांच्या कुटुंबासह आणि भावांच्या कुटुंबांसह राहतात। सदर घरामध्ये आज पहाटेच्या दरम्यान त्यांच्या घराच्या पाठीमागचा दरवाजा तो तोडून 5-6 मंदी आतमध्ये प्रवेश केला घरामध्ये आणि फिर्यादी जे तिथं राहणारे आपले बिसेल त्यांना गावठी कट्ट्याचा आणि चाकूचा धाक दाखवून त्यांच्या घरातील रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिने चोरून नेलेले। फिर्यादींची फिर्याद घेऊन गुन्हा दाखल करण्याचं काम चालू आहे, पुढील तपास करीत आहोत।